हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 36 इंच का कटोरी ब्लाउज फुल कैसे कटिंग किया जाता है। तो हमारे ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच। आपके ब्लाउज का लंबाई जितना इंच रहेगा तो उतना इंच लंबाई लेने का। तो हमारे ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच, तो मैं 13 लेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, गला 2.5 इंच लेगी और शोल्डर 3 इंच लेगी, शोल्डर 3 इंच लेगी। आपके ब्लाउज का जितना शोल्डर रहे उतना आप ले सकते हैं। गले का लंबाई में 5.5 इंच ली हूँ। शोल्डर का ये लाइनिंग जो है मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच है मेरा। छाती में 9 इंच लेगी। कमर 8 इंच लेने का, क्योंकि हमारे ब्लाउज का 8 इंच है तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। पट्टी का मैं 2.5 इंच ली हूँ। आपके ब्लाउज का जितना है उतना लेने का। यहाँ पे मैं 2 इंच लेगी। आपका कटोरी का कितना कपड़ा सिला हुआ है तो इसके हिसाब से लेने का। मैं अपने का 4.5 इंच का कटोरी है तो 4.5 इंच लेगी सिला हुआ, बाद में बढ़ा के कट करने का। इसको 2.5 इंच का पे कटोरी का, तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे एक डॉट मारेगी और अभी इसी के हिसाब से मैं, ये देखिए ये ब्लाउज पूरा बन के तैयार हो गया है। अभी मैं जो मार्जिन के लिए रहता है मैं अभी पेपर पे कट करके लेगी कि जो मार्जिन में बचाने का कपड़ा, ये देखिए इसको पेपर पे मैं कटोरी पड़ा निकालेगी और ये पूरा ब्लाउज का बन गया सेफ। कि मतलब किस तरह ब्लाउज का कटिंग करने का, किस तरह बनाने का, तो अपने ब्लाउज का जितना लंबाई है उतना लंबाई लेने का, जितना कटोरी का सिला हुआ है उतना ही लेने का, उससे ज़्यादा नहीं लेने का। उसके बाद में ये जितना है सिला हुआ उतना ही लेने का, जितना पट्टी उतना पट्टी लेने का। ये जितना है, अगर आपको नहीं समझ में आता, सब लोग ऐसा करके बताते हैं कि मतलब हाँ ऐसा लेने का। अगर ऐसे कन्फ्यूजन लगता है, छोटा ब्लाउज है तो 5.5 इंच 6 इंच जैसा बॉडी के ऊपर है, बड़ा ब्लाउज है 16 इंच का 17 इंच का तो 6.5 इंच ले लेने का इसका लंबाई, फिर भी अपना परफेक्ट बना सकते हैं। तो जैसा जैसा आपके ब्लाउज का नाप है उसी तरह टेप से नाप लेके और बना सकते हैं तो बहुत अच्छा से आपका ब्लाउज बन जाएगा। फिर अभी मैं बता रही हूँ आगे इसको कैसे कटिंग किया जाता है। ये देखिए अभी मैं कट कर देगी। कट करके हो गया है ये। अभी मैं इसको पेपर दूसरे पे रख के कटिंग करेगी। ये देखिए मैं इसमें बैक पार्ट नहीं निकाली थी। आप ऐसा मत करिए, ऐसा आप पेपर पे बैक पार्ट भी निकालने का, फिर ये भी निकाल लेने का उसके ऊपर इससे। ये देखिए मैं इसको पूरा इसी तरह ड्राइंग कर दी हूँ। यहाँ पे मैं 0.5 इंच बढ़ा ली हूँ दोनों तरफ से, दो सेंटी इधर से 2 सेंटी इधर से, क्योंकि सिलाई में जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए जो, तो ये देखिए मैं 2 इंच इसमें बढ़ा रही हूँ, 2 इंच और नीचे भी 2 इंच लेने का। और नीचे थोड़ा सा बढ़ा देने का 0.5 इंच,
आधा इंच कितना बढ़ा देने का, क्या रहता बाद में सिलाई में जाने का, तो छोटा नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं कपड़े के ही तरह कट कर लेगी। इसी तरह आप बढ़ा के और कटिंग करें तो प्रॉब्लम नहीं होएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आधा 2 सेंटी इधर से 2 सेंटी इधर से बढ़ाई थी। तो इसी तरह आप कटिंग करिए, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होएगा। इधर आगे के गला में कुछ बढ़ाने का नहीं रहता है। और ये इसको 2 सेंटी इसी तरह, ये गला गिरने का डर रहता है, 2 सेंटी इसको नीचे कट करने का 2 सेंटी, और इधर से भी 1-2 सेंटी कर लेने का, तो बराबर रहता है। तो ये देखिए किस तरह बन के तैयार हो गया है। ये देखिए दोनों बाजू का कट करके, आपका जितना साइज है उसी हिसाब से लेने का। तो देखिए हो गया है। अभी मैं कटोरी बताएगी। ये देखिए अभी मैं कटोरी किस तरह निकाला जाता है, तो मैं कटोरी निकाल के बताएगी कि कटोरी आपका जो ब्लाउज का टोटल लंबाई है उसका देखने का कितना लंबाई है, फिर उसके हिसाब से कपड़ा खींच के लेने का और देखने का। तो हमारे जो है ब्लाउज का लंबाई है 8 इंच। कटोरी का कपड़े का जो लंबाई है टोटल मैं खींच के ली हूँ, तो उसका लंबाई 8 इंच है, और चौड़ाई में कटोरी का 7.5 इंच है। तो मैं लेगी इसको चौड़ाई में 7.5 इंच 2 पॉइंट, ये देखिए 2 पॉइंट लेगी, 7.5 इंच 2 पॉइंट लेगी मैं। और अभी मैं इसको कटोरी इसी तरह हाथ रखने का और गोलाई देने का इसका, ये देखिए। अब इधर भी 1.5 इंच बढ़ गया, इधर भी। तो इसी तरह आप कपड़ा पकड़ने का और इसी तरह हाथ को घुमाते चला जाने का। ये देखिए आप जितने ही हाथ घुमाएंगे उतना ही अच्छा आपकी कटोरी बनेगी। ये देखिए किस तरह, बनके तैयार हो गया। और अब भी मैं इसको क्रॉस में लेगी। फिर यहाँ पे 1 इंची कम करने का है मेरे को, ये देखिए। और यहाँ पे भी 1 इंची कम करेगी मैं। नीचे की तरफ मैं 2 इंची बढ़ाई हूँ, ये देखिए। इसकी लंबाई 6 इंच है और इसका जो बढ़ा के लिए हूँ मैं 8 इंच है, तो 2 इंची मैं बढ़ा दी हूँ। और अभी मैं इसको इसी तरह ये जो 1 इंची यहाँ से कम किए हैं उसमें मिला देगी, ये देखिए। उसी तरह यहाँ से भी, ये देखिए बना के हो गया है कटोरी। अभी मैं कटिंग करेगी। फ्रेंड्स ये देखिए कट करके हो गया है ब्लाउज का कटोरी पूरा। ये देखिए पे 1.5 इंची का लेने का है टैक्स, तो 1.5 इंच का लेने का और 3 इंच लंबाई लेने का। ये देखिए 3 इंच का लंबाई लेने का आपका ब्लाउज कितना कटोरी है कितना नहीं है उसके हिसाब से आप लेने का। ये देखिए कटोरी बन के तैयार हो गया है। हेलो फ्रेंड्स ये देखिए मैं इसको टेप से चिपका के इसका कटोरी मैं बना दी हूँ का है, जो सब बन के तैयार हो गया। अभी ये जो है पट्टी है, तो पट्टी किस हिसाब से इसको निकालने का, पहले कटोरी का ये कट कर लेने का, पहले पट्टी नहीं निकालने का अक्सर करके, कपड़ा बचा के रख सकते हैं आप, आपको समझ में नहीं आता कन्फ्यूजन होता है। तो ये देखने का कि कटोरी का और इसका कितना इंच हो रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे लंबाई लेने का। ये देखिए
मैं यहाँ पे लंबाई ली हूँ। यहाँ पे आधा इंची छोड़ने का, क्योंकि सिलाई में जाएगा। और कटोरी कभी भी ध्यान देने का, एक तरफ क्रॉस रहेगा, एक तरफ सीधा रहेगा। तो इसी तरह अभी लाइनिंग दे देने का। चारों तरफ आधा इंची बढ़ गया है और आप इसी तरह लाइन कर लिए। इसको कट करेगी। और आइडिया बता रही हूँ इसका, ये देखिए। यहाँ पे पट्टी और कटोरी में क्या जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सही कटोरी बैठे। यहाँ पे देखिए, ये है ना कटोरी, यहाँ पे इसी तरह 2 सेंटी इसी तरह कट कर देने का, ये 2 सेंटी कट कर देने का। और ये जो है इसको भी 2 सेंटी कितना कट कर देंगे। अभी 2 सेंटी ये, 2 सेंटी ये, तो कम से कम आधा इंची हो गया। और फिर आप कपड़ा सिलेंगे इसका ब्लाउज का, तो बहुत सही कटोरी बैठ जाएगी और बहुत सही ये पट्टी भी देखने में सुंदर लगेगा। तो इसका भी थोड़ा ध्यान दें। ये देखिए, इसके हिसाब से मैं पट्टी कट कर दी।